दोस्तों, अगर अपनी तैयारी अन एकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू इंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स एक्स वाई नेवी के लिए है। देखो, पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अन एकेडमी प्लस से, है ना। चलो, और दोस्तों ये है आपका पृथ्वी बैच, जो कि एनडीए के लिए कंप्लीट बैच है, ओपन कर दी गई है। 22 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट है और आपका 5 अप्रैल तक चलने वाला है। तो जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ। उसके बाद आपका जो सेकेंड है यानी NDA 2 के लिए, ये भी आपका कंप्लीट बैच ओपन हो जाएगा 25 फरवरी से लेकर 1 सेप्टेम्बर तक चलने वाला है। यानी कि 25 फरवरी से लेकर आपका 1 सेप्टेम्बर तक ये पूरा बैच चलने वाला है एनडीए 2 के लिए, है ना, लक्ष्य बैच है। तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फटाफट जाइए इनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना है आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना 3 महीने 6 महीने 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों, मेरे को 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT 10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा, अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए, उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसे आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं, हम लोग तो पता ही है ना। चलो, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन एकेडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा GK का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेज डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी करिए। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार है हमारे YouTube चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, यहाँ हम देख रहे थे क्या नेवी एयरफोर्स नेवी MR के एग्जाम्स में और बाकी और कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ रहे थे। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको हम समझाते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने कुछ मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो अपना पहला प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा है और चक्रवृद्धि ब्याज का, आज जैसा कि हमने कल बताया था कि आज जो है क्या करेंगे, दाइंड कर देंगे और लगभग आज बहुत ही कम टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो पिछले जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को भी हो सकता है तो रिपीट हो सकता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चंस का टाइप रिपीट होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बताया था आपको, एक क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते इस टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बता दिए थे, एक ट्रिक बता दिए थे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज का ये क्वेश्चन जो है कह रहा है इसमें कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से उसका रेट और उसका ब्याज जो है बढ़ता है। ठीक है, कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्षों में मूलधन की दोगुनी होती है, मतलब जितना मूलधन है उसका दोगुना कितने वर्षों में होता है, तो 3 वर्षों में होता है। तो उसी दर से धन का वृद्धि कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। तो दो गुना होने के लिए अगर 3 वर्ष लगता है तो 32 गुना होने के लिए कितना वर्ष लगेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों, हमने कल आपको क्या बताया था इस क्वेश्चन को ट्रिक्स में सॉल्व करने का, चूंकि दिया हुआ है हमें क्या, 2 गुना दिया हुआ है और 32 गुना दिया हुआ है। तो 2 गुना दिया हुआ है ना, तो क्या हम 32 को, चूंकि 32 गुना पूछ रहा है हमसे, क्या हम 32 गुना को 2 के पावर में लिख सकते हैं क्या, चूंकि 2 गुना है तो हमको 2 के पावर में लिखना है। तो 2 के पावर में आपको देखिए, ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 32 गुना है तो और 2 गुना है तो 2 के पावर में हम लिख सकते हैं, ये चीज आप समझ लीजिए। अब क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर हम 5 लिख सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 32 को क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो 2 से लगेगा 16, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 2 4 क्या आ रहा है, 5 बार ये आ रहा है 2, मतलब 2 का पावर 5,
गुना हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ष कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हम बताए थे कल आपको, अगर कल वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही प्यारे तरीके से बताए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा था ना कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में क्या होता है, 2 गुना होता है। मतलब 2 गुना होने में कितना वर्ष लगा, 3 वर्ष। तो वही चीज हम लिख लेंगे कि 2 गुना होने में कितना लगा, 3 वर्ष लगा। ठीक है, तो हमको कितना गुना में पूछना है, 32 गुना में, तो 32 को 2 का पावर 5 लिखे ना, तो 2 का पावर 5 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, तो जो भी पावर रहेगा उसका उतना से गुना कर देंगे। तो पावर कितना है, 5 है, तो इससे हम गुना कर देंगे, मतलब कितना हो गया, 15 वर्ष। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम समझाने में थोड़ा ज्यादा समय लिया है, लेकिन आपको सॉल्व करने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, तो 2 का पावर 5 गुना होने में कितना समय लगा, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना 40 नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए इसमें कह रहा है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से रेट हमें दे दिया और पूछ रहा है कि 30,000 रुपया का मिश्रित ब्याज जो है कितने समय में 34,347 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन दे दिया है और मिश्रधन दे दिया, तो कितने समय में होगा ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शंस भी बड़े प्यारे प्यारे से दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको भी सॉल्व करने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि हमें भी 5 से 10 सेकंड ही लगे थे, लेकिन आपको समझाने में, आपको जो इसका कंसेप्ट बताने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपया। तो हम मिश्रधन, चूंकि मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है, तो हम मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगा के बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मिश्रधन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको कि मूलधन, मतलब मूलधन कितना है, 30,000 रुपया, और इंटू 1+R/100 बताए थे, और या फिर डायरेक्ट अगर आपको रेट पता है तो 100 में जोड़ दीजिए और 100 कर दीजिए। तो अगर 7% वार्षिक है, इसका मतलब 107% हो जाएगा, तो 107/100। और कितने समय में ये हमें नहीं पता है, ठीक है, कितने समय में होगा ये हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे उसका पावर टाइम कर लेंगे और बराबर में मिश्रधन कितना हो जाएगा, 34,347। हमको टाइम का मान निकालना है ना, तो चलिए टाइम का मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा, इधर 107/100 का पावर टाइम को रहने देते हैं, और क्या करना है उसको तो आपको पता ही है, 34,347 रहेगा, और इधर से 30,000 को हम भाग में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 30,000। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 से क्या कटेगा, 3 इकाई 3 और 4 0 रहेंगे, फिर 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 नंबर 27। ठीक है, मतलब 107/100 का पावर क्या है, टाइम, बराबर कितना आ गया, 11,449/10,000। ठीक है, तो देखिए आप इधर क्या आ रहा है, 107/100 आ रहा है, इधर आ रहा है 11,449/10,000। तो देखिए दोस्तों इधर जो है कैंसिल करके हम छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसको हम नहीं काट सकते हैं। तो क्या हम इसको जो है 107 के पावर के रूप में लिख सकते हैं, नीचे वाले को तो हम इसके पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो 107 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 11,449। तो यहां से हम सोच लेंगे ऐसे करके कि पावर टाइम बराबर ये क्या हो गया, 117 का स्क्वायर, और नीचे वाला जो है वो 100 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 117 नहीं, 107 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट बताया क्लास 8 वाला कि बेस बराबर होता है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, तो टाइम बराबर कितना निकल के आएगा, 2 वर्ष। ठीक है, तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया है, इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहा। आप चाहें तो बहुत कम ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरे स्टेप लेके सॉल्व किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों आगे अपना क्वेश्चन नंबर 41 भी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कितने समय में 1,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से 1,331 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो कितने समय में मूलधन दे दिया और वो जो है कितना हो जाएगा, तो 1,331 मतलब मिश्रधन दे दिया। ठीक है, 20% का रेट भी दे दिया है, कितने समय में होगा, जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस भी बड़े प्यारे प्यारे से हैं। तो दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि हमारा जो छोटा वाला चैनल था उस पर आप लोगों का बहुत प्यार आ रहा है, बहुत सपोर्ट आ रहा है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दिल से। ठीक है, हमारा जो छोटा चैनल है एजुकेशन प्लानेट वायरिया करके नाम से है, वो अपना चैनल हम चलाते हैं। ठीक है, तो
थोड़ा सा सपोर्ट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों आप भी सपोर्ट कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 41 का क्या कह रहा है इसमें कि मूलधन कितना है, 1000 रुपया है। तो मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1000 रुपया का किस रेट से है, तो 20% वार्षिक के रेट से है, मतलब क्या हो जाएगा 20 100 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 120/100 हो जाएगा, कितने समय में पूछ रहा है, समय हमको नहीं पता है तो टाइम मान लिया हमने, ठीक है। तो मिश्रधन कितना हो जाता है, 1331 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम टी का मान निकाल लेते हैं तो वही हो जाएगा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ कटने वाला है तो 20 6 120 कट जाएगा और 20 5 100 कट जाएगा, मतलब 6/5 का पावर टाइम आ रहा है, बराबर क्या आ रहा है 1331/1000, ठीक है, 1331/1000 आ रहा है। अब देखिए 1331 कौन चीज से कैंसिल होगा, 1331 कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, 1331 जो है कैंसिल नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में ही थोड़ा सा गलती हो गया था, 20% नहीं है, यहाँ पे क्या है 10% है, ठीक है। तो 10% होगा तो यहाँ पे क्या करना होगा, 110/100 करना पड़ेगा, मिस्टेक हो गया कहां से, 110/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 11/10 आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 11/10, ठीक। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 के पावर में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 11/10 का पावर टाइम हो जाएगा, बराबर 11/10 का इसको हम पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 होगा और 11 का पावर 3 करेंगे तो 1331 होगा। अब यहाँ भी ये बेस और ये बेस दोनों सेम है तो इसका पावर भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब टाइम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और चूंकि रेट था क्या वार्षिक तो समय भी अपना वर्ष में ही आएगा, तो समय कितना आया 3 वर्ष, यही हो गया प्यारा सा आंसर, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर, और ऑप्शन नंबर है भी नहीं इसमें, तो इसमें किसी कोई एक ऑप्शन होगा अपना नन, ठीक है, तो नन हो जाएगा अपना सही आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो प्यारे मित्रों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर जो 42 आया है बहुत ही प्यारा सा है, देखने में तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही लग रहा है लेकिन चेंज है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने समय में 1000 रुपए की राशि जो है 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज जो है 6 माही संयोजित हो, ठीक है, मतलब ब्याज जो है 6 माही आधार पर लिया जाता है, मतलब 6 माह पे ब्याज ले लिया जाता है, 6 माह पे ब्याज दे दिया जाता है। तो मूलधन कितना है 1000 रुपया, मिश्रधन कितना है 1331 रुपया, रेट है 20%, लेकिन 6 माही है तो क्या करेंगे, तो 6 माही है क्योंकि रेट हमको क्या दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है, वर्ष में दिया हुआ है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, ठीक है, और ब्याज अगर हम 6 महीना पर देंगे तो एक साल में कितने बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है, तो एक साल में 2 बार देना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से समय क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि वर्ष में एक साल में कितना परसेंट है 20%, तो 6 महीने में कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब 10% हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज समझना था आपको कि रेट अगर 6 माही ब्याज अगर 6 माही लिया जाता है तो अगर वार्षिक दिया हुआ है तो वो आधा हो जाएगा, क्या आधा हो जाएगा उसका दर, और समय हो जाएगा उसका 2 गुना, क्योंकि अगर वार्षिक है तो ब्याज कितना बार जमा करना पड़ेगा 6 माही में, 2 बार, तो समय कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज समझना है आपको, और देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1000 रुपया का किस रेट से है, तो 20% के रेट से है, मतलब 120/100 होगा, लेकिन नहीं, दर क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, क्योंकि ब्याज जो है 6 माही संयोजित होता है, तो ये हो जाएगा 110/100, और पावर क्या हो जाएगा, समय, तो समय कितना है 2 टाइम्स है, 2t है, तो कितना हो जाता है 1331 रुपया हो जाता है। बस 0 से 0 काट देना है, 11/10 का पावर 2t बराबर कितना है 1331, और इधर से 1000 चला आएगा भाग में, ठीक है, और अब क्या करना है, तो 11/10 का पावर 2t है और इधर से 11/10 का पावर हम 3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, तो 2t/3 आया है, तो t बराबर कितना आएगा 3/2, और इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1 सही 1/2 वर्ष आएगा, ठीक है, मतलब 1 वर्ष और आधा वर्ष, ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट लाइन में जो थोड़ा सा बात बोल दिया कि ब्याज 6 माही है, तो क्वेश्चन का पूरा
चेंज ही हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आज जो है अपने चक्रवृद्धि ब्याज का खत्म भी करना है, द एंड भी करना है बड़े ही प्यारे तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। तो प्यारे भाइयों देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है, बस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन दो स्टेप में सॉल्व होने वाला है। भले ही क्वेश्चन तीन स्टेप में है, तीन लाइन में है, लेकिन सॉल्व होंगे आंसर में, इसका आएगा दो ही लाइन में। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन कमाने के लिए, मतलब वो धन कमाना चाहता है किस रेट से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से, कुछ बैंक में जमा किया पैसा तो बैंक उसको देगा चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से। ठीक है, यदि तीसरे साल, क्वेश्चन में मेन बात है, अब कह रहा है कि यदि तीसरे साल और दूसरे साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है वो है 1100 रुपया, तो हमसे पूछ रहा है कि उसने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे। ठीक है, और ऑप्शंस दे दिया है, ये कितना है, ये है 1,00,000 रुपया, ये 1,20,000, 1,10,000 और ये हुआ 90,000। ठीक है, तो इसमें से ये सभी ऑप्शंस में से बताने हैं कि कितने होंगे। तो दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए, कोई धन वो कितने परसेंट से दिया, 10% से। इसका मतलब क्या है कि अगर तीन वर्ष में तो ब्याज कितना हो जाएगा उसका, 10% तो तीनों वर्ष बढ़ेगा। लेकिन चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो दूसरा वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये 10% तो होगा ही और इस 10% का भी 10% लगेगा। तो 10% कितना होगा, 10/100, मतलब 1% होगा, तो 1% इसमें जुड़ जाएगा। तो पहला वर्ष में तो 10% लगा, दूसरे वर्ष में कितना परसेंट लगेगा, 11%। अब तीसरा वर्ष जो होगा ये टोटल ब्याज का 10% लगेगा। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना है, 21% है दो साल में, तो इसका क्या लगेगा, 10%, मतलब 10/100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 21 में यदि हम 10 से भाग देते हैं तो कितना होता है, 2.1, मतलब तीसरा वर्ष में कितना हो जाएगा, 2.1 जुड़ेगा, इतना परसेंट। ठीक है, तो देखिए दूसरे वर्ष मतलब सेकेंड ईयर में कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज उसको मिला, 10/1 11%। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। और थर्ड ईयर में मतलब तीसरे साल में कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो 10/2 12, मतलब 12.1% मिला। ठीक है, तो यही चीज ने दिया हुआ है कि पहला साल और दूसरा साल जो मिला है चक्रवृद्धि ब्याज उसको उसी का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, कितना अंतर दिया हुआ है, तो अंतर दिया हुआ है 1100 रुपया। तो देखेंगे यहां से हम कि इसके परसेंटेज में कितने का अंतर है, इसका परसेंटेज में जो अंतर है उसको हम रुपया के बराबर करेंगे। तो प्रतिशत में कितने का अंतर है, तो 1.1% का अंतर है, लेकिन यही प्रतिशत जो है रुपया में कितने के बराबर हो जाता है, तो 1100 के बराबर हो जाता है। तो यही परसेंट में जो होगा 100% अपना यो होगा मूलधन। ठीक है, तो मूलधन ही ना वो जमा किया होगा तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो यहां से हम निकालेंगे 1%, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 1100/1.1, और इसीलिए 100% निकालना होगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 1100/0.1, नीचे से अगर हटाना चाहते हैं तो ऊपर में 10 से गुना करना पड़ेगा और ये 100 वाला जो तो गुना होगा ही। ठीक है, तो 11 से ये कट जाएगा 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 पर यहां से 2 जीरो आएंगे और यहां से भी 2 जीरो आएंगे और यहां से 1 जीरो आएंगे, मतलब 1,00,000 रुपया हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। ठीक है, तो समझने में फ्रेंड्स आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 44 भी आ चुका है। जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। उसमें बस दिया हुआ था तीसरे साल और दूसरे साल के बीच अंतर, और इसमें दे दिया है पहले साल और दूसरे साल के बीच अंतर। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में कितना हो गया, 650 रुपया, और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो गया। ठीक है, तो वह धनराशि क्या है ये बताना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। रेट क्या है, तो रेट है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस रेट से है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो गया, 676 रुपया हो गया। ठीक है, देखिए प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो पहले वर्ष के अंत में कितना हो गया था, 650 रुपया, मतलब मानते हैं कोई मूलधन अगर पी है
वन प्लस आर बटे 100 और पावर कितना है 1। पहले साल में हुआ है तो उसका पावर 1 कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपया, और दूसरे साल में कितना हो गया 676। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी इंटू वन प्लस आर बटे 100 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरे साल में हुआ था कितना 676 रुपया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, हमको क्या वैल्यू चाहिए, तो वन प्लस आर बटे 100 का मान चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम करते हैं चलिए स्क्वायर से ही भाग कर देते हैं, तो एक का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक के वर्ग से, एक के वर्ग में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे, ठीक है। एक के वर्ग में से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, ये तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 650, ठीक है। और घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे वर्ग में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, वर्ग में 2 से भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो भाग कर देंगे तो बट्टा करेंगे, तो नीचे में क्या है पी इंटू वन प्लस आर बटे 100 का पावर 2 है बराबर 676 है, तो ये टर्म तो कट गया, ठीक है। और पी स्क्वायर बटे पी, तो पी से एक ठो पी भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक ठो पी, बच जाएगा सिंगल पी, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऊपर में स्क्वायर किए हैं, तो इस 650 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 650 का स्क्वायर हो जाएगा, तो पी का मान कितना आ जाएगा 650 गुने 650 बटे 676, ठीक है। अब देखिए इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 से कितने से कटेगा, 2 तिया 6, 2 नी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, तो 2 से कितने से कट गया, 2 तिया 6, 2 अठे 16, फिर इसको भी 2 से काट सकते हैं, तो 325 से कट जाएगा, और फिर ये कितने से कटेगा, 2 एक 2, 2 6 12 और 2 9 18, ठीक है। तो देखिए इसको हम 325 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 13 साइज लिख सकते हैं, ठीक है, 25 गुने 13 लिख सकते हैं, और इस 325 को भी हम 25 गुने 13 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो है 169, इसको हम तो 13 गुने 13 लिख ही सकते हैं, तो 13 से 13 कट गया और ये 13 से 13 कट गया, बच गया क्या 25 गुने 25, तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा अपना प्यारा सा मूलधन, मतलब ये जो आया वैल्यू पी का आया है, तो मूलधन ही पूछ रहा था कि वह धनराशि क्या है, तो 625 अपना ऑप्शन नंबर सी है, और ये है बहुत ही करेक्ट आंसर, बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या है 64,000 रुपया और 10% जो है प्रति वर्ष का वृद्धि दर है, ठीक है, तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि होगा कितना। तो दोस्तों देखिए ये किसी गांव का जनसंख्या दिया हुआ है, और एक साल में जो बढ़ेगा 10% बढ़ेगा, फिर अगले साल जो है उसका 10% बढ़ जाएगा, फिर अगले साल उसका 10% बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही बात है, ये चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो 10% रेट होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज का रेट हो गया, और 64,000 रुपया नहीं होगा, यहाँ पे 64,000 जनसंख्या है, रुपया हमने लिख दिया, ठीक है, तो 64,000 जो है जनसंख्या है, रुपया नहीं है, ठीक है। तो 3 वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या होगी ये बताना है, तो मिश्रधन वाला फॉर्मूला पे लगा के तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, 64,000 है जनसंख्या और 10% प्रति वर्ष के दर से बढ़ रहा है, मतलब 110 बटे 100, और 3 साल के बाद पूछ रहा है कितना होगा जनसंख्या, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 3 साल के बाद हो जाएगा, यही को सॉल्व कर देंगे तो 3 साल के बाद जनसंख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 64, यहां से 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 64,000 हो जाएगा, और इसका पावर 3 है तो 3 बार ही गुना कर देंगे, तो 11 बटे 10 11 बटे 10 और 11 बटे 10, ठीक है। तो ये 3 जीरो से यहाँ का 3 जीरो कट गया, तो क्या बचा ऊपर में 64 और 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा, ठीक है। अब 1331 को आप 64 से गुना कर लीजिए तो कितना आता है, 4 1 4 4 3 4 4 12 2 हाथ में 1 4 3 12 1 3 हाथ में 1 4 1 4 5 6 1 6 6 3 8 8 में 6 3 8 में 9 हाथ में 6 7, ठीक है। तो 4 आया, 6 2 8 आया, 8 3 11 आया, 9 5 14 15 आया, और ठीक है, और 7 1 8 आया, तो इतना जनसंख्या आ चुका है, लेकिन बढ़ा है कितना, टोटल जनसंख्या तो ये हमें पता चल गया, लेकिन बढ़ा है कितना, तो ये इसके लिए हमको शुरू वाला को घटा देना होगा, तो 64,000 अगर घटा देते हैं तो 4 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और
दो आएगा, ठीक है 21184 अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलिए एक दो क्वेश्चन बचे हैं उनको भी देख लेते हैं और आज के सेशन को खत्म करते हैं। प्यारे भाइयों देखिए अपना अगला क्वेश्चन 46, इसमें कह रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, यदि इसकी जनसंख्या 1981 में 1,38,915 है तो 1978 में क्या रही होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ वर्ष दे दिया है 1981 और 1978, तो ध्यान दीजिएगा कि 1978 के बाद 1981 होने में कितने वर्ष का समय लगा होगा, तो 78 के बाद 81 होने में 3 वर्ष का समय लगा होगा, क्योंकि 2 वर्ष के बाद 80 होगा, 1 वर्ष के बाद 81 होगा, तो 3 वर्ष लगा होगा। ठीक है तो यहाँ देखिए आप सुविधा के लिए अपने लिख लीजिएगा कि समय बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष। ठीक है समय 3 वर्ष हो गया। अब देखिए यहां से हम लगाएंगे, क्योंकि हमको पूछ रहा है 1978 में क्या था, तो बढ़ने के बाद जो हो गया तो वो मिश्रधन हो गया, और बढ़ने से पहले जो था स्टार्टिंग में वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक है पी मान लेते हैं कि कोई जनसंख्या था पहले और वो जो है किस रेट से, तो 5% प्रतिवर्ष की दर से, मतलब 105/100 की दर से बढ़ के 3 साल में कितना हो गया, तो 1389/15 हो गया। तो ये जो अपना P का मान होगा वही अपने स्टार्टिंग का क्या होगा, जनसंख्या होगा। ठीक है तो देखिएगा यहां काटेंगे तो 21 से कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा। ठीक है तो यहां से P का मान क्या आ जाएगा, तो P इधर हम लिख सकते हैं 21/20^3 है, इसका मतलब 3 बार लिख सकते हैं इसको, 21/20 × 21/20। ठीक है बराबर कितना है, 1389/15 है। ठीक है तो यहां से अगर हमको P का मान चाहिए तो 13 थोड़ा अलग थोड़ा खुला स्थान पे लिखते हैं क्योंकि काटना पड़ेगा, अब 1389/15 है और इधर से जो भी टर्म उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20/21, एक बार और 20/21 और फिर से हो जाएगा 20/21। ठीक है तो अब काटेंगे कितने से, देखिए 7 से कटता है कि नहीं, 7 से काटेंगे तो 7 × 1 = 7 बचेगा कितना, 7 × 6 = 13 7 × 9 = 63 7 × 7 = 58 7 × 7 = 56 7 × 8 = 35 7 × 8 = 35 ठीक है 7 × 5 = 35 7 से कट गया तो ये 7 × 3 = 21 हो जाएगा। ठीक है फिर से 7 से कट के देखते हैं, 7 × 2 = 14 और 7 × 8 = 56 ठीक है बच गया कितना 2, 7 × 8 = 56 लगाया तो बच गया 2, 24 × 7 = 21 और 7 × 5 = 35 फिर ये 7 × 3 = 21 कट गया। ठीक है अब फिर देखते हैं 7 से कैंसिल करके तो 7 × 3 = 21 7 × 6 = 28 और 0 × 7 = 35 तो ये भी कट गया 3 से, तो 5 × 4 = 9 3 से कटेगा ही, 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9 3 × 5 = 15 ठीक है फिर से 3 से कट जाएगा 3 × 12 = 3 5 = 15 फिर 3 से कट जाएगा 15 × 3 = 45 ठीक है तो देखिए 2 × 2 = 8 होता है 15 × 8 = 120 हो जाता है और 3 जीरो ये वाला लग जाएगा। ठीक है तो कितना हो गया 12/4 = 0 तो 15 × 8 = 120 और उस पर 3 जीरो ठीक है तो ऑप्शन में अपना थोड़ा सा गलत हो गया होगा। ठीक है 12/4 = 0 होगा या फिर देख लेते हैं थोड़ा सा कंफर्म करके कितना होगा 3 जीरो 12/4 = 0 ही आएगा। ठीक है तो 12/4 = अपना ऑप्शन में देना भूल गए थे तो अपना ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज का जो अपना सेशन था वो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है चलिए अपना एक और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लें। भाइयों देखिए अपने चक्रवृद्धि ब्याज के सेशन का जो है अपना लास्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज इस क्वेश्चन के साथ हो जाएगा खत्म और आपको चक्रवृद्धि ब्याज की किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व किए हैं, आप हमें सपोर्ट करें हम भी आपको सपोर्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है आप हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल पे और हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके स्टडी में। तो दोस्तों देखिए अपना जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 47 है। ठीक है इसमें कह रहा है कि किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है। ठीक है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पहला वर्ष 8% का चक्रवृद्धि ब्याज है तो दोस्तों पहला वर्ष तो 8% ही लगेगा लेकिन दूसरा वर्ष भी 8% लगेगा लेकिन इसका ब्याज भी जुड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज होता है तो 8% × 8% कितना हो जाएगा तो 0.64% होगा। ये हो गया अपने फर्स्ट ईयर का ब्याज, ठीक है ये हो गया सेकेंड ईयर का ब्याज,
ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कितना लगा, तो सेकेंड ईयर में लग गया 8.64% और पहला वर्ष में लगा था 8%, लेकिन पहले वर्ष का ब्याज कितना है 48 रुपया है, मतलब यही 8% जो है 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा 8.64%, तो वो कितना हो जाएगा, तो 48/8 × 8.64, तो 8×6 = 48 कट जाएगा, इस सभी को गुना करेंगे तो 6×6 = 24, 7×2 = 6, 6×1 = 36, 2×3 = 38, 3×8 = 48, 3×1 = 51, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना रुपया 51.84 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं भी अगर किसी तरह का डाउट बचा है कि नहीं बचा है, ठीक है। तो आप अपना जो है कोई भी कमेंट हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कमेंट में कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए चैप्टर के साथ, समझेंगे उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तब तक के लिए दोस्तों एकदम पढ़ते रहिए, खुशी में एंजॉय करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।